कुछ एक नाम और तुगलकाबाद। ठीक है, एक आ गया, एक दिल्ली आ गया, तुगलकाबाद। और जहां पना, तो सिगरेट वाला नहीं, शहर बसा था। किसने बसाया था जहां पना? जहां पना शहर जो है दिल्ली में, किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, और उनके फादर ने बसाया था तुगलकाबाद, गियासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, फिर इसके बाद मुगलों के काल में भी कुछ शहर बसे, कुछ और भी दिल्ली सल्तनत के समय में। दीन पना हुमायूं ने बसाया था। ठीक है, और शाहजहानाबाद शाहजहां ने बसाया था। ठीक है, चार हो गए। सीरी फोर्ट, सीरी का सीरी शहर अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। तो देख लें इस तरीके से दिल्ली 6-7 7 बार बसी इनफैक्ट है। ठीक है, एक बार में नहीं बसी है दिल्ली। और सबसे लेटेस्ट लुटियंस जोन है, लुटियंस जोन जो अंग्रेजों ने बसाया था, जो वेल प्लान्ड शहर के रूप में बसाया था, जो इंडिया गेट और उसके आसपास संसद भवन का जो एरिया है, लुटियंस जोन कहा जाता है उसको है। ठीक है, तो दिल्ली कई बार बसी। ऐसे ही बहुत सारे शहर धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं, ऑर्गेनिक वे में। कोई प्लान्ड सिटी अगर डेवलप हुई है भारत में, तो आजादी के बाद ही डेवलप हुई है, जो प्लान्ड वे में डेवलप हुई हो। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से पहली बार बस रहा होगा, उसकी प्लानिंग कर दी गई, बस शहर रहा होगा लेकिन प्लानिंग कर दी गई, हो गया वो। ठीक है, ऐसा थोड़ी अचानक ले आकर के एक जगह खोजा गया, वहां शहर बसा दिया गया, ऐसा भी नहीं होगा। शहर रहा होगा, बस थोड़ी सी प्लानिंग करके उसको सिस्टमेटिक कर दिया गया। तो वो अलग पैटर्न है। चंडीगढ़ के पैटर्न पर हड़प्पा सभ्यता के सिटीज दिखते हैं, मतलब बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पर हैं, परपेंडिकुलर एक दूसरे को रोड्स काट रहे हैं, जो बड़ी सड़कें हैं। और ग्रिड पैटर्न सबसे बेहतरीन पैटर्न माना जाता है अर्बन सेटलमेंट के लिए, सबसे बेहतरीन पैटर्न, क्योंकि लैंड यूज प्रॉपर होता है उस तरीके के सेटलमेंट में। अल्टीमेटली क्या है ना, शहरों में लैंड यूज को देखा जाता है कि लैंड यूज प्रॉपर किस में हो सकता है। अगर हैफेजर्ड वे में शहर बसेंगे ना, तो हैफेजर्ड वे में गलियां एक दूसरे को, सड़कें एक दूसरे को काटेंगे, फिर लैंड यूज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बहुत सारा लैंड बर्बाद हो जाएगा उसमें। तो हैफेजर्ड वे में कभी शहर नहीं बसने चाहिए। तो इसी रेफरेंस में बहुत सारी थ्योरीज को दिया गया, क्योंकि अचानक जो है ये वेल प्लान्ड सिटी के रूप में दिखते हैं एक्सकेवेशन के बाद। तो क्या ऐसा है कि अचानक ये शहर के रूप में ये सभ्यता विकसित हुई? तो ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर के थ्योरी दी गई है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, यानी इसमें सुमेरिया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने इसे बसाया था। ठीक है, यानी इसमें दिया गया है सुमेरिया मेसोपोटामिया के लोगों ने इसे बसाया, सुमेरिया और मेसोपोटामिया के लोगों ने, क्योंकि सुमेरिया और मेसोपोटामिया के लोग शहरी क्षेत्र के निवासी थे, हड़प्पा के लोगों का इनसे व्यापार संबंध था। तो बहुत सारे सुमेरिया मेसोपोटामिया के लोग जो है माइग्रेट होकर के इंडस वैली रीजन में आए, और इन लोगों ने शहर बसाना शुरू कर दिया। और ग्रेजुअली नहीं, वो सडनली ये बस गया, 300-400 साल के अंदर ये शहर के रूप में कन्वर्ट हो गए। ग्रेजुअल अगर होता ना, तो 4-5 हज़ार साल का समय लगता है किसी शहर को बसने में। ठीक है, 400-500 साल में कोई शहर नहीं बस जाता है। आपको क्या लगता है, दिल्ली अचानक बस गया होगा? दिल्ली बहुत इंद्रप्रस्थ बहुत पहले से था, ईसा पूर्व में। ठीक है, जब कौरवों ने अपनी राजधानी बनाई थी उसे, तो 2,500-3,000 साल का इतिहास दिल्ली का अपना है, अचानक थोड़ी ये बसा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं रही है। तो सुमेरिया या मेसोपोटामिया के लोगों ने, ऐसा कहा जाता है कि अर्बन निवासी थे, और उसमें जॉन जॉन मार्शल और बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने कहा है इसे कि अर्बन निवासी थे ये लोग, माइग्रेट हुए भारत में और इंडस वैली में, और इन लोगों ने अपने अनुभव का प्रयोग किया और शहर बसा दिया यहाँ पर। फालतू की बकवास कर रहे हैं लोग, मतलब उस समय के क्या मतलब प्लानर्स थे ये लोग, शहरों के प्लानर। ठीक है, और तर्क भी कुछ देते हैं। तर्क क्या देते हैं वो सुन लेंगे, तर्क भी कुछ सारे हैं, इनके लिए भी तर्क है। ये आर्यन ओरिजिन थ्योरी में भी तर्क दिए गए हैं। सबसे बेकार की थ्योरी यही है, आर्यन ओरिजिन थ्योरी, मतलब कोई सिमिलरिटी ही नहीं है दोनों लोगों में। आर्यन बाद में आने वाले लोग, हड़प्पा सभ्यता के बाद ये लोग आए, कैसे ये सभ्यता बसा सकते हैं? और खुद आए और इन लोगों ने हड़प्पा को शहर के रूप में बसाया और अपने गांव में रहने लगे बाद में, अजीबो गरीब बात है। ठीक है, खुद गांव के निवासी बन गए, हड़प्पा के लोगों को लिखना सिखा दिया, ये लिखना भी नहीं जानते थे, अजीब हालत है। तो बहुत सारे एब्सर्ड थ्योरी भी है इसमें। ठीक है, सबसे अच्छी थ्योरी जो है ग्रेजुअल ओरिजिन थ्योरी है, जिसको एक फिगर के थ्रू, मैप के थ्रू समझाया जाएगा आपको। इसमें जैसे सर जॉन मार्शल और कुछ विदेशी विद्वान हैं, विशेष रूप से जिन्होंने विदेशी लोगों को भारत में इस सभ्यता का जन्मदाता माना है, तो उसके रूप में क्या माना इन्होंने है? तो सुमेरिया और मेसोपोटामिया के लोग भारत आते हैं, शहर बसा देते हैं, वो लोग पहले से अनुभव था शहर में रहने का, इसलिए वो शहर बसा देते हैं। ये लगभग अनएक्सेप्टेबल सा विषय है, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉजिक दिया है। लॉजिक क्या दिया है? बोथ यूज्ड स्क्रिप्ट,
दोनों लिपियों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, दोनों बर्न ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, बर्न ब्रिक्स दोनों इस्तेमाल करते थे, दोनों पोटरीज का इस्तेमाल करते थे, दोनों ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे, ये सब लॉजिक है उनके कि दोनों ही ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे, दोनों पोटरीज का इस्तेमाल करते थे, दोनों जो है स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इस तरीके से 5-7 इन्होंने सिमिलरिटीज बताई दोनों सभ्यताओं में, ठीक है, दोनों शहरों के निवासी थे ये भी बता दिया। लेकिन अब इसको हमने हमें आलोचना करना है, आलोचना करना जरूरी है। दोनों शहरों के निवासी थे अनडाउटेडली, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के शहर वेल प्लान्ड थे और सुमेरियन या मेसोपोटामियन सभ्यता के जो सिटीज थे हैफेजेड वे में या रैंडम बसे हुए थे, ऐसे ही मतलब बेतरतीब बस गए थे। तो एक बेतरतीब शहर बसाने वाले लोग जब भारत में आएंगे तो इतना वेल प्लान सिटी कैसे बनाएंगे, उनको खुद भी अनुभव नहीं रहा होगा इस तरीके के शहर बसाने का, तो ये संभव ही नहीं है, ठीक है। जहां तक पोटरी का प्रश्न है तो दोनों की पोटरी डिफरेंट है, हैंडमेड है, सॉरी चाक पर बने हुए हैं, ठीक है, व्हील मेड पोटरी है, लेकिन डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट भी डिफरेंट है, उनके स्क्रिप्ट में 900 लेटर्स हैं, 900 आइडेंटिफाई कर दिया जा चुका है, दे आर डिसिफर्ड, वो पढ़े जा चुके हैं, डिफरेंट है, रोसेटा इंस्क्रिप्शन कहे जाते हैं उसको है। और भारत में जो है वो पिक्टोग्राफी का आज तक नहीं पढ़े गए, 396 वर्ड्स हैं, आइडेंटिफाई कर लिए गए लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं, तो उनके पढ़ लिए गए, हमारे नहीं पढ़े गए। जहां तक ब्रॉन्ज के यूज की बात है तो ब्रॉन्ज यूज में भी अंतर है, ठीक है, उनके लोग जो है हायर क्वालिटी ब्रॉन्ज यूज करते थे, बहुत हायर क्वालिटी, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में करते थे, हमारे लोग जो है इंफीरियर क्वालिटी ब्रॉन्ज यूज करते थे, बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रॉन्ज नहीं था हमारे पास, ठीक है, ये भी अंतर है। हाँ, और इससे भी महत्वपूर्ण चीज कि जो ईटों का प्रयोग पर ये लोग बात करते, बोथ यूज बर्न ब्रिक्स, हड़प्पा के लोगों ने जिस बड़े पैमाने पर बर्न ब्रिक का यूज किया, सुमेरिया के लोगों ने किया ही नहीं है उतना, सुमेरिया के लोग ज्यादातर रॉ ब्रिक्स को यूज करते थे, बर्न ब्रिक्स का यूज बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमने किया है। जो ये घर मिले हैं ना खुदाइयों में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सब घर मिले हैं, बहुत सारी ईंटें मिली इसमें हैं, ठीक है, वो ईंटें आज के ईंट चोरों ने चुरा लिया है, मतलब आज के जो चोर है ना ईंट अपना घर बनाने के लिए चुरा लिया, तो ऐतिहासिक घर उनका बन गया, हड़प्पा का घर, मेसोपोटामिया का घर, मतलब ऐसे बन गया, अपने घरों में लगा लिया ले जाकर के उन ईंटों को, मतलब ऐसे ही एक्सकेवेट करके रखा गया था, रात में उठा ले गए लोग, दिन में लोग देखेंगे, रात में थोड़ी देखेंगे कोई, तो रात में उठा लेगा अपना, उठा उठा करके अपने घरों में लगा लिया, तो ईट चोरों ने आज के चुरा लिया। कुछ किताबों में ये भी शब्द लिखा मिलता है कि आज के ईट चोरों ने चुरा करके अपना घर बनवा लिया उससे। खैर, ऐतिहासिक घर है उनका, उसकी खुदाई होगी तो वो हड़प्पा के ही गिने जाएंगे बाद में। तो ये सब तर्क है, इस तर्क के आधार पर इसको हमें जस्टिफाई कर देना है कि ये लोग विदेशी द्वारा ये शहर नहीं बसाए गए थे ना, हड़प्पा सभ्यता विदेशी ओरिजिन से इंस्पायर्ड है। हाँ, ट्रेड की वजह से ये चीज हो सकती है, कंक्लूड जब करेंगे तो थोड़ा बहुत ये बातें लिख सकते हैं कि ट्रेड की वजह से कल्चरल एक्सचेंजेस भी चीजें होती हैं, कई बार जब हम ट्रेड करते हैं ना दूसरे देश से तो कुछ कल्चर भी एक्सचेंज होता है, तो हो सकता है हड़प्पा के लोगों का ट्रेड रिलेशन रहा हो, जाते रहे हो, उनके शहर देखे हो तो अपने शहर बसा दिया इन लोगों ने, थोड़ा इस तरीके की चीज रही होगी। लेकिन ये कहना कि सुमेरिया या मेसोपोटामिया के लोगों ने शहर बसाया गलत है, एंटायरली फॉल्स, ठीक है, ये चीज कहा जा सकता है। जहां तक आर्यन ओरिजिन थ्योरी का प्रश्न है, इसमें भी बड़े एब्सर्ड से चीजें दी गई हैं, एडी होसालकर और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है, ठीक है, और इन सिद्धांतों में एक दो लोगों के नाम काफी हैं, मैं 4-5 लिखवा दूंगा, लेकिन एक दो नाम भी याद रहे तो उनकी बेसिस पर पूरी थ्योरी को आप डिक्टेट कर देंगे। इन लोगों ने भी कुछ सिमिलरिटीज बताई है और उसकी आलोचना की गई है, सेम चीजें, सिमिलरिटीज क्या बताइए, आलोचना कैसे करेंगे, बस उन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो सपोर्टर्स हैं इस थ्योरी के, उसमें सिमिलरिटीज जो बताई गई है कि बोथ वर द रेजिडेंट ऑफ सेम रीजन, यानी दोनों एक ही क्षेत्र के निवासी थे, यानी वो भी पंजाब में रहते थे, ये भी पंजाब में रहते थे, वैदिक सभ्यता जब आई थी तो पंजाब में ही बसी थी, तो दोनों एक ही क्षेत्र के निवासी, पहली सिमिलरिटी बता दी, ठीक है। बोथ वर वॉरशिपर्स ऑफ वॉटर, ठीक है, बोथ वर वॉरशिपर्स ऑफ फायर, ठीक है, दोनों फायर के वॉरशिपर्स थे, अग्नि पूजा वो भी करते थे, अग्नि पूजा ये भी करते थे, ठीक है, दोनों पेड़ों की पूजा करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, नेचर वॉरशिपर्स थे दोनों, हड़प्पा के लोग भी नेचर वॉरशिपर्स थे, वो भी नेचर वॉरशिपर्स थे, इस तरीके की चीजों में समानता दिखलाई गई है, ठीक है, दोनों कृषि करते थे। लेकिन इतना तो पता आपको है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो जिस पैमाने पर कृषि करते थे, और वैदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक सभ्यता के लोग बहुत कम
कम खेती करते थे। उनके ऋग्वेद में सभी प्रकार के अनाजों के लिए एक शब्द यूज हुआ है, सिर्फ एक ही शब्द है, वो जितने प्रकार के अनाज ये प्रोड्यूस करते थे एक शब्द उसके लिए है। कौन से कोई शब्द जो यूज हुआ है सभी प्रकार के अनाजों के लिए, उस शब्द को कहा जाता है यव। ये शब्द यूज किया है, चावल नहीं, इसका मतलब सभी प्रकार के अनाज है, यव चावल नहीं है। ऑल टाइप ऑफ ग्रेन्स वाइल देवर लार्जली डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनके लिए सिर्फ एक जीवन निर्वाह कृषि थी। जीवन निर्वाह का मतलब अपना जीवन जी सके बस, इसलिए खा सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। जबकि हड़प्पा के लोग सरप्लस प्रोडक्शन करते थे एग्रीकल्चर में, और उसका व्यापार भी करते थे, और गोडाउन भी बनवा रखा था बचाकर रखने के लिए भविष्य के लिए। इन लोगों ने कुछ नहीं किया ऐसा। हम आलोचना कर सकते कई तरीके से इस सिद्धांत की, चार पांच सिमिलरिटी दिखाएंगे फिर आलोचना कर देंगे इसकी। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ा अंतर जो है, ऑल्दो कि देवर सेटल्ड इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, बट हड़प्पा सभ्यता शहर निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता शहरी ओरिएंटेड था अर्बन, और वैदिक सभ्यता जो है रूरल था। सबसे बड़ा अंतर तो यही आ गया। कैसे एक सभ्यता जो शहरी थी उसको बनाने वाले आर्यन लोग थे, अपने लिए कैसे रूरल सभ्यता बना देंगे, ये समझ से परे है। ठीक है, हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे, ये लोग लिखना भी नहीं जानते थे। वो लोग उनको लिखना सिखा दे, अपने खुद नहीं सिखा इन लोगों ने लिखना, तो ये अपने आप में अनोखा है। ऊपर से ये लिंगा वॉर्शिपर्स यानी फेलस वॉर्शिपर्स थे हड़प्पा के लोग, जबकि वैदिक लोग जो है फेलस वॉर्शिपिंग से हेट करते थे, दे हेटेड फेलस वॉर्शिपिंग, यानी लिंग पूजा से घृणा करते थे ये लोग, किताब में लिखा है ऋग्वेद में। ठीक है, और उसी वजह से ये दस्युओं की हत्या करते थे, क्योंकि दस्युज वर फेलस वॉर्शिपर्स, लिंग पूजक थे, ये लोग नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा के लोगों ने सरप्लस प्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर में, जबकि वैदिक लोगों ने सरप्लस प्रोडक्शन किया ही नहीं, बल्कि ये सब्सिस्टेंस लेवल पर खेती करते थे। इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था स्टार्टिंग पीरियड में, कहीं से भी ये नहीं था कि वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के रूप में एग्रीकल्चर करें, बल्कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, जबकि हड़प्पा के लोगों का प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सेकेंडरी था उनके लिए। इंटरनेशनल ट्रेड चलाते थे ये लोग, हड़प्पा के लोग, और ये लोग रीजनल ट्रेड भी नहीं चलाते थे। तो अंतर है दोनों में। और एक और अंतर है कि ये लोग गाय की पूजा करते थे आर्यन लोग, और जबकि वो ऑक्सन की पूजा करते थे, कुबड़ वाला बैल हम्बुल। ठीक है, तो वो लोग करते थे, हम्बुल उनके लिए महत्वपूर्ण था, इनके लिए नहीं। हड़प्पन सभ्यता हॉर्स सेंटर्ड सिविलाइजेशन नहीं थी, जबकि वैदिक सिविलाइजेशन हॉर्स सेंटर्ड सिविलाइजेशन थी, क्योंकि ये लोग घोड़े लेकर आए थे अपने देश से। ठीक है, अंतर है बहुत सारे। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आर्य लोगों ने सभ्यता बसाई, संभव ही नहीं है ये। ठीक है, इस तरीके की चीज रही है। तो जितनी इसको अलग करेंगे ना हम लोग, थोड़ा सा जो समय हमारे पास है उसमें लिख लेते हैं, ताकि इतना हो जाए कम से कम। ओरिजिन ऑफ हड़प्पन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक छोटा सा देंगे, लिख लेंगे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन is one of the oldest, the Harappan civilization is one of the oldest and greatest civilizations, one of the oldest and greatest civilization in the history of mankind, in the history of mankind. It flourished in the Indian subcontinent. It flourished in the Indian subcontinent it flourished in the Indian subcontinent for about 1000 years. For about 1000 years, it was a widespread civilization. It was a widespread civilization. ये introduction है, introduction के रूप में लिखा रहा हूँ, ठीक है? It was a widespread civilization. So far, more than 1400.
सो फार मोर देन 1400 हड़प्पन सेटलमेंट्स 1400 हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार मोर देन 1400 हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड दिस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर दिस सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बट द ओरिजिन ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन origin of this great civilization has become the center of has become the center of historical dispute center of historical dispute various theories have been given in this reference various theories have been given in this reference dash denge aur pehla likhenge sudden origin theory इसमें पहला हेडिंग करेंगे फॉरेन ओरिजिन थ्योरी सडन ओरिजिन में फॉरेन ओरिजिन थ्योरी लिख लेंगे द प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी वर सर जॉन मार्शल proponent of this theory were Sir John Marshall, Mortimer Wheeler and Gordon Child. Sir John Marshall, Mortimer Wheeler and Gordon Child. Gordon Child. ऐसे नाम मिलेंगे सर Gordon Child, बाग में खेलता हुआ बच्चा Young Husband. एक और नाम भी आएगा कर्नल यंग हस्बैंड भी एक होंगे ठीक है जब भी उनकी पत्नी उन्हें पुकारेंगी यंग हस्बैंड इधर आओ वो यंग ही बने रहेंगे ठीक है कभी ओल्ड हस्बैंड होंगे ही नहीं वो ठीक है नाम तो चेंज होगा नहीं यंग हस्बैंड तो ऐसे नाम आते रहेंगे ठीक है एक नाम और आएगा मैक्सवेल ब्रूमफील्ड तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड ब्रूमफील्ड का मतलब होता है मैदान का झाड़ू और मैक्सिमम मैदान का झाड़ू ठीक है ब्रूम का मतलब झाड़ू होता है फील्ड का मतलब मैदान ठीक है हाँ तो गार्डन चाइल्ड द प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी वर ठीक है गार्डन चाइल्ड इतना हो गया ना अकॉर्डिंग टू देम हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज established by a group of foreigners Harappan civilization was established by a group of foreigners who came from Sumeria and Mesopotamia came from Sumeria and Mesopotamia.
these immigrants immigrants प्रवासी इसका मतलब होता है, these immigrants were familiar with urban life urban life and they used to live in cities they used to live in cities for a long time they used to live in cities for a long time they used this knowledge to establish urban settlements they used this knowledge to establish urban settlements in Indian subcontinent urban settlements in Indian subcontinent this urban phase is known as Harappan civilization this urban phase is known as Harappan civilization Harappan civilization according to them the rise of Harappan cities was rapid and reached its mature stage within a short span of 500 years short span rapid क्या लिख रहे थे